नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षा गुणवत्ता सुधार अभियान, सरकारी स्कूलों में बढ़ेंगे संसाधन, डॉक्टर सिद्धार्थ देंगे शिक्षा सवालों के जवाब। आज मनाई जा रही है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा श्रद्धा और परंपरा का मिलन, गोवर्धन पूजा से मिलती है समृद्धि। बिहार में डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा, घर बैठे बनाए जीवन प्रमाण पत्र बिना कोई दस्तावेज मात्र 70 रुपए में उपलब्ध। बिहार में ग्रामीण सड़कें होंगी दुरुस्त, 7 साल तक गांव की सड़कों का मेंटेनेंस, प्रखंडों में एजेंसियों को मिलेगा टेंडर। ऋषभ पंत का नया अर्धशतक रिकॉर्ड, पंत की तेज पारी ने बचाई टीम की जान, शुभमन गिल के साथ बेहतरीन साझेदारी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 26 नवंबर से शुरू हो रहे पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हटाए गए सदस्यों के नाम भी जोड़ लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 87 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 6,382 पैक्सों की अलग अलग मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। चुनाव 5 चरणों में 26 नवम्बर से 3 दिसंबर तक होंगे, जिसमें 19,478 मतदान केंद्र और 531 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। कार्यता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि नए सदस्यों के जुड़ने से मतदाता संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा 1,354 मतदान केंद्र हैं। गोवर्धन पूजा आज मनाई जा रही है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया था। पूजा की विधि में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना और कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना शामिल है। इस दिन गायों का पूजन और उन्हें विशेष भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परंपरा सालों से चली आ रही है। गोवर्धन पूजन के लिए एक मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक था, वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मार्च 2025 तक सभी स्कूलों में आवश्यक संसाधनों की कमी पूरी करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें टॉयलेट, कंप्यूटर केंद्र और कक्षाओं का निर्माण शामिल है। शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की पेशकश की जाएगी। यही नहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ हर शनिवार दोपहर 12 बजे शिक्षा संबंधी 10 प्रश्नों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया लिंक जारी कर दिए हैं। सवाल पूछने का कार्यक्रम आज से ही शुरू हो रहा है, लिंक आपके स्क्रीन पर है। साथ ही एक ईमेल भी जारी किया गया है, जिस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिसका जवाब खुद डॉक्टर सिद्धार्थ देंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार के सभी पेंशनधारियों को घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मिलेगी, जिसे डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। यह सेवा 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों और कस्बों में डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। पेंशनभोगियों को कोई सरकारी दस्तावेज नहीं देना होगा। यह आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित होगा। उन्हें घर पर ही अंगुली के निशान और चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाण पत्र मिलेगा, जो मात्र 70 रुपए में उपलब्ध होगा। यह पहल पेंशनभोगियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक होगी। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को छठ पर बड़ा तोहफा देते हुए लंबित मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यह निर्देश दिए, जिससे लगभग 2,37,000 प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। इस साल जनवरी में मानदेय 2 गुना किया गया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ था। बढ़े हुए मानदेय के अनुसार मुखिया को 5,000 रुपये, उप मुखिया को 2,500 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य को 800 रुपये, सरपंच को 5,000 रुपये और उप सरपंच को 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस निर्णय से लगभग 2,37,000 जन प्रतिनिधि लाभान्वित होंगे।
बिहार सरकार ने गांव की सड़कों के 7 साल तक मेंटेनेंस की नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। 534 प्रखंडों के लिए अलग अलग एजेंसियों को टेंडर के माध्यम से चुना जाएगा। वर्तमान में राज्य में 1,18,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जिनमें से 30,000 किलोमीटर की सड़कों की स्थिति खराब है। 14,000 करोड़ रुपये खर्च कर इन सड़कों का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके अंतर्गत गड्ढों को 24 घंटे में भरना और सड़क का कालीकरण यानी पूरी तरीके से निर्माण करना अनिवार्य होगा। बता दें कि इन्हें जिन एजेंसियों ने बनाया है उनको ही अगले 6 से 7 साल तक इसे मेंटेन रखना होगा। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जिला शिक्षा कार्यालय ने नो फाउंड श्रेणी में फंसे आवेदकों के लिए दोबारा काउंसलिंग की घोषणा की है। 4 नवंबर तक अभ्यर्थियों से नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि मूल दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो पुनः काउंसलिंग के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। सितंबर में आयोजित पहली काउंसलिंग में करीब 600 आवेदन नो फाउंड थे। तकनीकी कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। अब अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रधान शिक्षक परीक्षा के परिणाम बीते दिन घोषित कर दिए गए। अब सभी श्रेणियों के लिए कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कट ऑफ अनुसूचित जाति से भी कम है। ईडब्ल्यूएस के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 48 अंक है, जबकि एससी का क्रमशः 49 और 48 अंक है। सामान्य श्रेणी के पुरुष व महिला का कट ऑफ क्रमशः 67 और 59 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए क्रमशः 59 और 49 तथा पिछड़ा वर्ग बीसी अभ्यर्थियों का 61 और 52 अंक है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए भी कट ऑफ में अंतर है। यहां सामान्य श्रेणी पुरुष व महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ क्रमशः 85 और 74 अंक है। ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग पुरुष का कट ऑफ एक समान 79 अंक है। बीसी महिला का कट ऑफ 67 तो ईडब्ल्यूएस महिला का 63 अंक है। एससी पुरुष और महिला का क्रमशः 59 और 48 अंक है। बिहार में इस बार दिवाली पर वायु प्रदूषण में कमी आई है, जिसमें कम पटाखे फोड़े जाने और मौसम की अनुकूलता का योगदान रहा। पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 233 रहा, जो पिछले साल के 333 से बेहतर है। मुजफ्फरपुर और गया में भी प्रदूषण में कमी देखी गई, लेकिन हाजीपुर सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहाँ AQI 346 पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला ने बताया कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कम पटाखों के उपयोग ने भी स्थिति को सुधारने में की। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED संस्थानों में नामांकित प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया है कि वे 2 नवंबर तक निर्धारित शुल्क जमा करें, अन्यथा उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। 4 नवंबर को खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी और स्पॉट नामांकन प्रक्रिया 6 से 12 नवंबर तक चलेगी। आवेदन के लिए रिक्त सीटों का विवरण 5 नवंबर से उपलब्ध रहेगा। 13 नवंबर को औपबंधिक सूची जारी की जाएगी, जिसमें आपत्तियों का निपटारा 16 नवंबर तक होगा। अंतिम मेधा सूची 18 नवंबर को आएगी और नामांकन 18 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 का दूसरा टनल गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच नवंबर में तैयार हो जाएगा, जिसकी लंबाई 973 मीटर है। पहले टनल का निर्माण सितंबर में पूरा हुआ था। दिसंबर में 477 मीटर लंबे पहले टनल को TBM द्वारा तैयार किया जाएगा। गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच कुल 1.45 किलोमीटर लंबा टनल बनाना है। मोइनुल हक स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक 1480 मीटर का टनल पहले ही तैयार हो चुका है। अब विश्वविद्यालय से गांधी मैदान तक खुदाई का कार्य जारी है। इस परियोजना में दोनों TBM का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। पटना के जिला शिक्षा कार्यालय ने 433 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। 1816 स्कूलों ने ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन किया था, जिनमें से 433 मानक जांच में फेल हुए हैं। अब तक 1053 स्कूलों को मान्यता मिली है, जबकि 1383 स्कूलों के आवेदनों का पुनः सत्यापन चल रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को UDIS और ज्ञानदीप पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद है।
बिहार सरकार ने चुनिंदा सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 3.75 मीटर चौड़ी सड़कों को डबल लेन किया जाएगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। मुख्य सड़कों यानी MDR को भी चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में 360 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है और बजट में अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी। यह पहल यातायात में सुधार और सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में साइबर ठगों ने राजभवन के नाम पर लोगों को ठगने के दो नए तरीकों का इस्तेमाल किया है। एक अपराधी ने राज्यपाल का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, जबकि दूसरे ने खुद को राजभवन का पदाधिकारी बताकर व्हाट्सएप पर लोगों से संपर्क किया। वह पुराने AC और फर्नीचर को कम कीमत पर बेचने का झांसा दे रहा था। इधर साइबर शातिरों ने अलग अलग तरीके से 20 लोगों से 15,56,000 रुपये की ठगी की है। इस संबंध में सभी ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। राजभवन के DSP नवीन कुमार ने दोनों मामलों में साइबर थाने में दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इन फर्जीवाड़ों की जांच कर रही है। सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। केवल 36 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 60 रन की पारी खेली, जिससे भारत संकट से उबर सका। पंत ने यशस्वी जायसवाल का 41 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 41 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। उनके साथ शुभमन गिल ने 5वें विकेट के लिए 114 गेंदों पर 96 रन की साझेदारी की। पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर 86 रन बनाए, दूसरे दिन भारत 263 पर ऑल आउट। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमुद, नंद कुमार सिंह, सोनकली देवी, मोहम्मद सदुल्ला, छोटू राजा, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, राजकिशोरी महतो, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार की नई शिक्षा नीति से स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।